हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों, एकदम सॉलिड बॉडी, बिल्कुल अच्छे होंगे एकदम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रीजनिंग क्लास की सेकंड जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक चैप्टर का सेकेंड पार्ट, सेकेंड टॉपिक लेकर मैं आ चुका हूँ आपके सामने दोस्तों। ठीक है, और अपनी क्लास के साथ साथ मैं आपकी यूट्यूब चैनल पर भी क्लास ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ताकि जो बच्चे इस पर पढ़ना चाहते हैं तो अभी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका मजा आ जाएगा पढ़िए पढ़ने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पढ़िएगा, हिम्मत करके पढ़िएगा दोस्तों। और सभी बच्चे शांति से बैठे रहे प्लीज़, कोई आवाज़ नहीं करिएगा वरना इनको यूट्यूब वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ तो ठीक है बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कह देना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी ने पिछली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना। ठीक है दोस्तों, और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों आपकी, फिर हम पूरी दबा के मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे आपके लिए दोस्तों, जिसके पास हम सभी की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं दोस्तों। इसमें कोई किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार की इससे कोई हानि तो होने वाली नहीं है दोस्तों, जो बच्चा पढ़ेगा उसका बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो जिस बच्चे को भी हमारी वीडियो जैसे भी अच्छी लगे दोस्तों, अपने सभी भाइयों बहनों में दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और तब तक के लिए हम चलते हैं, देखते हैं क्या बताना है आज हमें इसमें दोस्तों। आपका सेकंड टॉपिक मैंने घड़ी चैप्टर में पढ़ा दिया दोस्तों, हम क्या करा रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, तो दोस्तों क्या है रीजनिंग, तो दोस्तों हम इसमें क्या पढ़ा रहे थे आपको, वॉच मतलब घड़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा ध्यान देकर समझोगे। ठीक है, तो समझिए दोस्तों ध्यान से, हम सेकंड जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक क्या था हमारा दोस्तों वो बताइएगा याद करके। सेकंड टॉपिक दोस्तों हमारा क्या था, एंगल। पहला क्या करा है हमने, इमेज, दर्पण, जल दर्पण और जल दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ये हमने दोनों पढ़ाए थे दोस्तों। तो आप अब उसके बाद देखिएगा आपका नंबर आ गया एंगल। ठीक है दोस्तों, तो एंगल को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मतलब कौन। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, इसे ध्यान देकर समझ रहे दोस्तों। अगर आपने ये क्लास ध्यान से देख ली ना, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को, वरना बीच में खास पॉइंट छूट जाता है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों समझने में। तो प्लीज़ इसको पूरी देखिएगा, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आधे घंटे में हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो कोशिश करेंगे जितना कम से कम समय लें हम आपका, ठीक है, उसी में कंप्लीट करा देंगे। तो देखिएगा दोस्तों आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन। तो दोस्तों हमें एक बात बताइएगा, हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुइयां, 0 और 180 ऐसे ले लीजिए दोस्तों, 90 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री के कोण कब कब बनाती है आपस में। ठीक है दोस्तों, आपको ये पढ़ाएंगे आज, इनसे जो रिलेटेड सवाल आज मैं समझाएंगे, आप इनको बिल्कुल इसको इतनी अच्छी तरीके से करोगे, देखते रहना आप एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले, और अच्छी तरीके से परीक्षाओं में अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया तो आप अच्छी तरीके से उसको कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं पहला, तो दोस्तों आप एक बात बताइए, हम पढ़ेंगे, हम शुरू में पढ़ते हैं दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, ठीक है, दोनों सुइयां हैं जो समकोण है, वे हर घंटे में कितनी बार बनाती है दोस्तों, हर घंटे में बनाती है, घंटे की सुई, घंटे और मिनट वाली सुई आपस में, मतलब घड़ी की सुइयां दोनों हर घंटे में कितनी बार बनाती है समकोण, 2 बार। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है, और तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे दोस्तों, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, 12 घंटे में बनाएगी दोस्तों ये 22 बार। ठीक है, और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे तो ये 22 घंटे हैं, तो 12 घंटे में तो पूरी 24 बार होनी चाहिए थी, जब एक घंटे में 2 बार बना रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे ये कहाँ चले गए। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको देखिएगा कहाँ चले गए हम समझाएंगे दोस्तों। ये देखिएगा घड़ी बनाइएगा एक इस टाइप से थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा गोल हो गया होगा, ठीक ठाक घड़ी बन गई है, देखते हैं आप इसको। देखिएगा दोस्तों ये घड़ी बना रहे हैं हम दोस्तों, आप घड़ी पूरी कर दीजिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी घड़ी बन गई है, आप सभी के अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते रह गए, ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें इसमें पता करना है दोस्तों, ध्यान देखना, देखो मेरे पास फिलहाल कोई घड़ी नहीं है, वरना घड़ी से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता, कोशिश करूंगा लाने की, अगर घड़ी कहीं से मिल जाए तो मैं आपको उससे भी समझा दूंगा। तो दोस्तों अभी इसी से समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको वहाँ पर घड़ी कोई एग्जाम में आपको घड़ी देने के लिए नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिना घड़ी के करना है,
ठीक है। हाँ बच्चों, मैं सभी से बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे को भी कोई भी घड़ी ले जाने की वहाँ पे अनुमति नहीं होती, आपको पता है, ठीक है, सभी बाहर निकलवा लिया जाएगा। तो इसलिए आपको बिना घड़िया करके देखने हैं, देखेगा, हमें देखना है समकोण किस किस घंटे के बीच में नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मात्र में दो घंटे कौन कौन से आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, देखना दोस्तों 12 घंटे के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो 2 से 4, 2 बजे से 4 बजे के बीच जो, ध्यान रखना दोस्तों, जो समकोण बनेगा, ध्यान रखे दोस्तों, वो सिर्फ 3 बार बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक होगा दोस्तों आपका 8 बजे से 10 बजे के बीच, ठीक है, समकोण सिर्फ 3 बार बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी बता दूं आपको, कैसे बता दूं दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा दोस्तों ध्यान से। तो दोस्तों हम क्या लेंगे, 2 बजे से 4 बजे के बीच ले लीजिए पहला, तो इसका समझ लीजिए। तो इसमें 2 बजा दीजिए दोस्तों, ये छोटी सुई दोस्तों, ये थोड़ी महंगी बन गई सुई, ठीक है, देखिएगा ये 2 बजे हुए हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ चेक करना है कितनी बार समकोण बनाएगी दोस्तों, देखिए हम ये भी बताएंगे दोस्तों कितने बजे कितनी मिनट पे समकोण बनाएगी। आप गोली की रफ्तार से इसको निकाल लोगे, देखते रहिएगा कैसे करेंगे। अभी इसमें पहले समकोण बना के देखिएगा कितने बनेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इसको इसके ऊपर लेके आएंगे, बीच में तो कोई समकोण बनने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब जब ये यहाँ जाएगी, थोड़ी ध्यान रखना, तो दोस्तों क्या होगा, आपकी लगभग जब सुई यहाँ पर आ जाएगी लगभग 5 से कुछ आगे, ठीक है दोस्तों, तो एक समकोण तो आपका यहाँ तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आप जब ऐसे चलते रहोगे दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना आपका दूसरी बार जो समकोण बनेगा वो पूरे 3 बजे बनेगा, ठीक है, तो पूरे 3 बजे बनेगा। तो इसके बीच तो नहीं बना, तो 3 बजे के मतलब 2 बजे के 59 मिनट उसके बाद ही बना, ठीक है दोस्तों, मतलब 3:00 मिनट पर बना। तो इसका मतलब इसके 2 से 3 के बीच तो नहीं बना दो बार, तो एक बार बना, ठीक है, एक बार कब बना, 3 बजे पूरा, ठीक है, एकमात्र एक्यूरेट टाइम ऐसा 3 बजे है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार 3 से 4 बजे के बीच भी ऐसे ही होगा, तो कितनी बार बना, तो 3 बार बना सिर्फ 2 के और 4 के बीच अगर हम चेक करें तो, ठीक है, क्योंकि पूरे 3 बज जाते हैं, 3 बजे और क्या होगा दोस्तों, 1 9 बजे, इसकी वजह से इधर भी यही रूल फॉलो होगा बिल्कुल, इनमें चेक करके देखना कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी 3 बार बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे समझ में, ये कहाँ पे सुइयां कम, ये जो एक एक बार समकोण नहीं बनाती, तो क्या होगा 2 से 4 बजे के बीच 3 बार बनाती है और 8 से 10 बजे के बीच 3 बार समकोण बनाती है, इसीलिए 12 घंटों में 22 बार बनाती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिएगा दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 0 डिग्री का कोण कब कब बनाती है, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो हर घंटे में कितनी बार बनाती है, 1 बार बनाती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बार बताओ तो 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी दोस्तों, ये बनाएगी दोस्तों 11 बार, ठीक है दोस्तों। तो और 24 घंटे में कितनी बार बनेगी दोस्तों, ये बनेगी 22 बार, ठीक है। तो आपको ये बताएं दोस्तों, यहाँ पे भी 12 घंटे में 11 बार बननी दोस्तों, ध्यान रखना, वो बताएंगे हम कौन कौन से हैं, आपको चेक करके बताने हैं, ध्यान से देखना। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एडजस्ट कर लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप देखते रहिएगा दोस्तों, तो अभी देखिएगा हमें क्या बोल रहा है इन्होंने, यहाँ पर कहा है हमें बताना है कि 12 घंटों में जो 11 बार बनी है वो 1 घंटे में गड़बड़ कहाँ करी उसने, 1 बार जो कम बनी वो कहाँ पर बनी, ठीक है, हमें ये बतानी है दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से, जो ये होती है ना 0 डिग्री में, ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं 0 डिग्री है दोस्तों, तुम सभी में जो भी बच्चा बैठा है और दोस्तों मेरे दोस्त जो भी ऑनलाइन पर है, मैं भी सभी एक बात बताइएगा मुझे, एकमात्र ऐसा कोण बताइए, ठीक है दोस्तों, इसे 0 डिग्री को दोस्तों संपाति बोलते हैं, संपाति, एक दूसरे के संपाति, ठीक है दोस्तों, हाँ, और एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है, समझ जाना, इसे ऐसे बोलते हैं दोस्तों। एकमात्र ऐसा टाइम बताओ जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, ठीक है, 12 घंटे के बीच में कोई भी एक ऐसा टाइम बताओ जिस पर बिल्कुल सुई संपाती होती है और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है, बताइएगा दोस्तों, सभी बताइएगा कौन सा होता है दोस्तों, पता नहीं आप दोस्तों, आप बताइएगा, चलो ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, देखिएगा, एकमात्र ऐसा टाइम हमारा, ध्यान रखना, जिसमें सुई संपाती होती है वो है सिर्फ 12 बजे, पूरे 12 बजे, ध्यान रखना दोस्तों, बड़ी सुई और छोटी सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है और पूरा एक्यूरेट टाइम है, इससे अलावा कोई आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा जहां पर आपको पूरा पूरा ऊपर नीचे सुई हो और पूरा एक्यूरेट टाइम हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी की वजह से यहाँ गड़बड़ हो जाती है 11 से और 12 के बीच, 12 से और 1 के बीच ये गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। जो 0 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, ठीक है, जो 0 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो
तो 11 से 1 के दो दोस्तों होता है 11 बजे से 1 बजे के बीच में ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ एक बार बनता है क्या 0 डिग्री का कोण, ठीक है ना, इसके बीच में बनता है ना 12 से 1 के बीच में बनता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इन दोनों के बीच में मतलब 11 से 1 के बीच में एक ही बार बनता है क्या 0 डिग्री का कोण, जब सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ तक भी। तो दोस्तों अब थोड़े आगे आ जाइए, हम थोड़ा आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्या करें, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बताते हैं, देखिएगा 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी जब सुई एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब आपको ये बताने है दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, हर घंटे में, हर घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 एक दूसरे के विपरीत होती है दोस्तों, एक बार, ठीक है, को ध्यान रखना है दोस्तों। और 12 घंटों में 11 बार, तो दोस्तों इसमें भी फिर यही बात हो गई कि भाई 11 बार इसमें कहाँ आया, तो दोस्तों एक इसमें कहाँ गायब हुआ, वही एकमात्र ऐसा टाइम कहाँ पर गायब हुआ दोस्तों, हमें ये बताना है बिल्कुल। तो कहाँ पर चला गया, कहाँ छुप गया जाकर, हमें वो बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हमको बता देते हैं दोस्तों, बताइएगा, चलो आप लोगों के लिए अब की बार नेक्स्ट दूसरा ही है ये भी बात, ऐसी कैसी सेम टू सेम, ठीक है, बताइएगा। एकमात्र ऐसा टाइम बताइए दोस्तों घड़ी के अंदर जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाले सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, संपाती होगी, रिजु एक दो रिजु कोण, सरल कोण, सब इसे ही बोलते हैं दोस्तों 180 कोण वाले को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो घड़ी की सुइयां एकमात्र ऐसा एक्यूरेट टाइम बताइए दोस्तों जिसमें एक दूसरे के विपरीत और पूरा फिट टाइम हो, ठीक है दोस्तों, बताइएगा सभी दोस्त, तो बताइएगा। तो दोस्तों पता है किसी भाई को, अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, देखिएगा हम बताएंगे किस टाइम, हाँ अभी भी गलत बोल रहा है भैया, ठीक है, अच्छा तो देखिएगा दोस्तों, नहीं नहीं 5, अरे यार 5 बजे कैसे हो जाएगी, एक बात तो बताइए 5 बजे क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर अगर सुई आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब तक ये यहाँ पर सीधा होने के पाएगी तब तक तो आपके क्या हो जाएगा, तब तक तो आपको 6 बज जाएंगे, ठीक है, तो उसके बीच में तो नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एकमात्र आपका वो टाइम क्या है, वो आपके पूरे 6 बजे, ठीक है, देखिएगा सुई एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होगी, 180 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है आप लोगों को, यही चीज देखनी थी, ठीक है, तो आपको देखना है दोस्तों हमारा जो ये एक कम हुआ है कहाँ पर हुआ, ध्यान से देखना दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा 7 से 6 के बीच और 5 से 6 के बीच कितनी बार कर रही है 180 अंश का कांच का कोण, कितनी बार बना रही, एक बार से, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में कितनी बार बना रही, एक बार। तो दोस्तों आपको ये बात लिख देनी है, तो क्या होगा, हमें क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 5 बजे से 7 बजे के बीच में याद रखना दोस्तों कितनी बार बनाती है, एक बार, क्या बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है, इसलिए एक कम हो जाता है रिश्ता। तो दोस्तों क्या हो गया, 22 घंटे में कितना हो जाएगा फिर ये, 22 घंटे में हो जाएगा दोस्तों ये 24 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों ये 22 बार, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में अच्छी तरह से गल चुका होगा, ठीक है, बिल्कुल एक एक बच्चे के समझ में आ गया है, मुझे पक्का पता चल गया। अच्छा जी, आ गया बच्चे समझ में, चलो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आवाज़ नहीं करने का, ये भी भाई हमारे साथ ही है, इनको फिर आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सभी दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे, और अब ध्यान से रखना दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा, देखिएगा इसका तो फोटो खींच लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों करके, अब ये जो रूल थे थोड़े हैं तो मैंने बता दिए, ठीक है, अब आपको घड़ी भी बनाएंगे दोबारा से और बताएंगे भी, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा इस पर आधारित आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं करके, कैसे करोगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, ठीक है, एंगल पर आधारित आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों, यदि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे, ठीक है दोस्तों, सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे, ठीक है दोस्तों, 8 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार, ठीक है दोस्तों, 8 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी, संपाती तो समझ गए होंगे दोस्तों, संपाती होता है 0 डिग्री है कौन बनाएगी, ठीक है, तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसके करिएगा गोली गिरफ्तार से, ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक बात बताइएगा, रात के 10 बजे, ठीक है, संपाती में गड़बड़ कहाँ करती है वो याद रखना दोस्तों, संपाती में कहाँ गड़बड़ करती है, सिर्फ पूरे 12 बजे, ठीक है, तो देखते रहिए दोस्तों आंसर, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 10 बजे से 11 बजे के बीच
ग्यारह से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से सात और सात से आठ। तो दोस्तों आपको बताया था हर एक घंटे में, हर घंटे में घड़ी और मिनट किसमें एक दूसरे के संपाती कितनी बार होती है दोस्तों, एक बार होती है। ठीक है, तो एक बार तो यहाँ पर होगी दोस्तों, एक बार ही यहाँ हो जाएगी दोस्तों। आप सोच रहे होंगे ना बारह छोड़ दिया, मैंने बारह इसलिए छोड़ा आपको अभी बताया था, ग्यारह बारह और एक इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बार संपाती होती है, तो इसलिए मैंने ग्यारह और एक लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, एक बार यहाँ बनेगी, एक बार इसके बीच में, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके और एक बार इसके, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा देखते हैं कितनी बार बना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो दोस्तों नौ बार संपाती हो जाती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। चलेगा एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है, सुबह नौ बजे से लेकर, ठीक है सुबह नौ बजे से, तो दोस्तों कर लिया, इसका फोटो खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन, सुबह नौ बजे से लेकर, आपको बताना है दोस्तों, बताइएगा सुबह नौ बजे, नौ बजे से दोपहर के, दोपहर, दोपहर के तीन बजे तक दोनों सुइयां, दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी बार विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होगी, तो दोस्तों बताना है 180 अंश का कोण आपको कितनी बार बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताया घंटे में कितनी बार बनाती है दोस्तों, एक बार संपाती होती है, वो संपाती नहीं, एक बार सरल कोण बनाती है, मतलब 180 अंश का कोण होता है हर घंटे में एक बार। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं, हमें बताया था, तो देखिएगा दोस्तों सुबह नौ बजे से, नौ बजे से दस, दस से ग्यारह, ग्यारह से बारह, बारह से एक, एक से दो, दो से तीन, दोस्तों कितनी बार, देखिएगा यहाँ बिल्कुल नहीं भी चलना। ठीक है, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी यहाँ परेशान नहीं होगा, ना ही कोई गलत करेगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके बीच में कितनी बार बना है, एक इसके बीच में, एक बार 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 की बार, तो सोच रहे होंगे भाई पहले वाले में तो ऐसा हो गया था, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों एक बात बताओ, जो ध्यान रखना दोस्तों, एक दूसरे के अगर विपरीत होती है, एक दूसरे के जब विपरीत होती है, एक एक्यूरेट टाइम सिर्फ छह बजे ही तो है, वो सिर्फ छह बजे ही तो है दोस्तों, मैंने आपको बताया था बारह तीन नौ छह, तो दोस्तों एकमात्र समय वो पूरा छह बजे ही तो है दोस्तों, जो वो गड़बड़ करती है यहाँ पे सात और पांच, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में बताइएगा मुझे देखकर, कहीं पर छह बजे तक का कोई टाइम है क्या, है तो नहीं, जब छह बजे तक कोई टाइम नहीं है फिर गड़बड़ कैसे करेगी दोस्तों, तो इसीलिए आपको वहां पर घटा देते अगर होता तो, लेके अब इसमें है नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बार बनाएगी, छह बार एक दूसरे के साथ विपरीत होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से मजा आ रहा होगा दोस्तों, तो दोस्तों धूम मचाने के बाद अब आपके यहाँ आपके गौरव जी एम सर धूम मचा रहे हैं आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन कर दिया हमने, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको अपने घर से करके लाना है। ठीक है, कल आती साहब सबसे पहले मैं इसी को बताऊंगा और इसी को पूछूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा अब हम इनको करते हैं साहब, अब देखते हैं कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कैसे करना है आप लोगों को, ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों अब देखिएगा, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है क्वेश्चन, ये आपको कल करके लाना है सुबह सात बजे से, सुबह सात बजे से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सुबह सात बजे से अगले दिन से, अगले दिन सुबह सात बजे से अगले दिन चार बजे, चार बजे। ठीक है दोस्तों, अगले दिन शाम चार बजे है, ध्यान रखना दोस्तों यू, अगले दिन शाम चार बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार, सुइयां कितनी बार, या सुइयों के बीच, सुइयों के बीच, तो दोस्तों देखिएगा जीरो अंश का कोण कब कब बनाएगी, कितनी बार बनाएगी, नब्बे डिग्री का कितनी बार बनाएगी, और दोस्तों 180 डिग्री का कितनी बार बनाएगी आपस में। ठीक है दोस्तों, आपके तीनों करके दिखाने हैं। ठीक है, कल को ये करके लाने दोस्तों, और नहीं हो तो दोस्तों मैं बताऊंगा कल सबसे पहले आती सारी इसी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए दोस्तों आप देखिएगा, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों इसी में ही। ठीक है, कैसे करेंगे आप गोली गिरफ्तार से क्वेश्चन निकल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी के सभी करते रहिएगा, आइएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों देखिएगा, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों उन्होंने, ठीक है इसको साफ कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों किसी भाई को, जब किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको कर देते हैं। देखिएगा कैसे करना है आप लोगों को, यहाँ आप लोगों को करना है दोस्तों, देखिएगा तो दोस्तों चलिएगा अब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं।
दोस्तों इन्हीं से संबंधित कुछ अलग क्वेश्चन इनसे ही, ठीक है दोस्तों, जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखना दोस्तों एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों ध्यान रखना एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से, ठीक है। और जिन लोगों ने उसका दिया था उत्तर, अब देखिएगा कैसे बोले रफ्तार से करेंगे दोस्तों। 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है दोस्तों, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां सुइयां नब अंश का कोण कब कब बनाती है, ठीक है दोस्तों, मतलब किस किस टाइम बनाती है, ठीक है आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों घड़ी की रफ्तार से करते हैं, तो दोस्तों देखिएगा घड़ी तो वैसे ही फॉर्मेटिकली उतार दूं मैं, देखिएगा देखिए दोस्तों ये बन गया आलू सा, ठीक है आलू नहीं हम घड़ी बना रहे हैं, देखिएगा ठीक है दोस्तों देखते रहिएगा कैसे करना है, ठीक है ये देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों बन गई आपकी घड़ी, हो गई तैयार, ठीक है देखते रहिए दोस्तों। अच्छा जी, तो इन्होंने कहा 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों सुइयां 90 डिग्री पर कब होगी, ठीक है दोस्तों, कितनी बार संपूर्ण बनाती है दोस्तों, 4 से 5 बजे के बीच ये बताना है दोस्तों, और कब कब बनाती है आपको ये बताना है दोस्तों। देखिएगा क्या करना है आपको, तो वो टाइम क्या होगा दोस्तों, हमेशा देखना 4 बजकर ही होगा, ठीक है 4 बजकर ही होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए एक ये जो फार्मूला है याद रखना है, 60/11 से गुणा करनी है आपको अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों ये फार्मूला है आपको याद रखना है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं से इस डब्बे से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 60/11 गुणा दोस्तों आपको देखना है 4 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। तो आप एक बात बताइए दोस्तों, हम इसमें बजा देते हैं दोस्तों 4 बज गए 4 दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर हमें 90 का कोण बनाया दोस्तों, आपको कुछ देर के लिए दोस्तों घंटे की सुई है ना, ये घंटे वाली सुई है खराब कर देनी है, ठीक है खराब होगी बिल्कुल, ये चलती नहीं, यहीं पे ही जाम होगी 4 पर ही, ठीक है 4 पर ही जाम कर देनी है आपकी तरफ से, सिर्फ मिनट वाली सुई चलती रहेगी ये वाली, ठीक है ये वाली 4 पर ही रहेगी, ठीक है। हम इसी से आपको निकाल कर दिखाएंगे, देखते रहिए और आप भी निकालोगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देकर समझते रहिए, आ जाइए दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल शांति से दोस्तों, देखिएगा एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में दोस्तों कितने मिनट लगते हैं, 5 और 5 मिनट, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है मिनट वाली सुई दोस्तों, 6 अंश का 56 30, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का 30 अंश हो गए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये भी 30 और यहाँ से यहाँ तक का ये भी 30, तो दोस्तों लगभग वह हमारे हिसाब से दोस्तों 1/5 सुई अगर 1 होगी तो लगभग इसका मतलब वह 90 अंश का कोण बना देगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जिस अंक पर वो आकर 90 अंश का कोण बनाती है उससे गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो कर दिए कितना आया 60/11, ठीक है इसे सही तरीके से भाग देकर लिख दीजिए, 5 सही 11/55 और 5 60/11, तो कितना होगा 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर वह समकोण बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर एक तो, ठीक है तो ये तो होगा पहली बार, और दूसरी बार कब बनाएगी दोस्तों ये बताना है आपको, दूसरी बार बनाएगी 4 बजकर, देखिएगा दोस्तों सुई अब भी ऐसी की ऐसी खराब की खराब ही रखनी है, ठीक है दोस्तों, ये खराब कर देनी है सुई इसकी, ये 4 पे ही रहेगी बस, ठीक है। आगे भी हमें जब ये टाइम निकालना है दोस्तों क्या करना है, 60/11 से बोला है गुणा करनी है, गुणा अब देखना दोस्तों 4 से ले लीजिए 30 30 60 और 30 90, ठीक है दोस्तों, तो कितने पे आगे दोस्तों 7 पे सुई आने के बाद हमारे हिसाब से यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर घड़ी सही हुई तो फिर तो थोड़ी सी आ जाएगी दोस्तों, वो पता है उसमें थोड़ा अजीब बनेगा, लेकिन हम इसी से टाइम निकाल लेंगे बिल्कुल फिट, ठीक है देखते रहिए दोस्तों, आप इधर मत देखिएगा यहाँ देखिएगा, ठीक है 642, ठीक है कितना होगा 420/11 दोस्तों, ये भाग देनी आती है किसी भाई पे, ठीक है आपको भाग देनी बता देता हूँ, ये जिस पर नहीं आती है वो देख लीजिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कैसे करना है, क्या दिया हुआ है 420/11, ठीक है तो देखिएगा कितना होगा 11 किया 33, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी कितने बच गए, 49 0 11 2 88, कितने बच गए 2, ठीक है दोस्तों अब देखिएगा क्या होगा, 2 को तो अभी भाग दे रहे हैं हम, कितना आ गया 2/11 तो है ही, 38 सही 2/11 मिनट का, ठीक है तो देख रहे दोस्तों क्या है इसका आंसर, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर भी वो 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 टाइम आए आपके, तो 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर वो 90 अंश का कोण बनाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलिएगा दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ आ गया होगा, किसी की ना समझ में आया तो बताइएगा दोस्तों, इसका मैं आगे से हट गया हूँ, देखिएगा इसका फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है अब करते हैं गोली की रफ्तार से दोस्तों, देखिएगा और क्वेश्चन, ठीक है देखिएगा दोस्तों को क्या करना है,
अच्छा जी, अब हम आपको देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देते हैं दोस्तों, देखिएगा। 1 से 2 बजे के बीच, बजे के बीच घड़ी की सुइयां 90 अंश का कोण कब किस टाइम बनाएगी, ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है, 90 अंश का कोण कब बनाएगी। तो दोस्तों देखिएगा क्या करना है आपको, आपको करना है दोस्तों इसमें, ठीक है, देखिएगा ये समय क्या होगा, 1 बजकर, अगर फर्स्ट टाइम आप निकाल लोगे तो 1 बजकर, ठीक है दोस्तों, 1 बजकर कितने में, कितने मिनट में बनाएगा दोस्तों, 60/11 गुना अपनी तरफ से आप कर ही लोगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा हम इसमें पहले क्या करेंगे, हम इसमें 1 बजा देंगे, ठीक है, घड़ी में पहले 1 बजा दो बच्चों, लो जी हमने इसमें 1 बजा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिएगा क्या होगा, हमें इसमें समकोण बनाना है दोस्तों, देखिएगा अगर हम 12 से पीछे ले जाएंगे तो किसके बीच का समय आ जाएगा, 12 और 1 के बीच का हमें लेना है, 1 से 2 के बीच का, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों कुछ टाइम के लिए मैंने बताया सुई खराब कर दीजिए, कौन से वाली, घंटे वाली सुइयाँ, एक पर ही रखिएगा इसको, बिल्कुल एक पर ही चिपका दीजिएगा इसको, फेमिकोल से ऐसे ही, ठीक है, हिलनी नहीं चाहिए। देखिएगा इसको करेंगे हम, यहाँ से चलेगी दोस्तों, देखिएगा कितना होगा, 30, 30, 60 और 30, 90 दोस्तों, हमारे हिसाब से वो अगर सुई 4 पर आएगी, ठीक है दोस्तों, तो क्या करेगी, 90 अंश का कोण बढ़ा देगी, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गए, 6 चौक 24, 240/11, इसे भाग देकर लिख दिया है दोस्तों, ठीक है, 11 दुनी 22, 11 एकम 11, 9/11, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, 11 दुनी 22, बच गए 2, 20 थी 11 एकम 11, 9 बज गए 21 सही 9/11। तो दोस्तों 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर, मिनट पर वो 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आप कह रहे हो तो दोस्तों आपको हमने क्या बताया था, ऐसे कौन से टाइम होते हैं हमें जिनके बीच में 90 अंश का कोण गड़बड़ करती है वो, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बार अगर आप इसको देखना चाहते हैं 2 बजे के बीच में और कब बनाएगी, ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब 2 बजाने में दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर भी आएगी, देखिएगा कितना होगा, 30, 30 है 30, 30 है 90, तो दोस्तों 10 पर, 1 बार 10 पर आएगी दोस्तों जब बनाएगी, देखिएगा सेकंड बार कितना हो जाएगा, 1 बजकर 60/11 गुना 10 आया ना, तो 10 की गुना कर दो दोस्तों, कितना आया, 600/11 मिनट, ठीक है, इसको भाग देकर देख दीजिए दोस्तों, देखिएगा कितना आया, 1 बजकर, ठीक है दोस्तों, दे दिया 11 55 11 चौक 44 सही 6/11, ठीक है दोस्तों। तो क्या आया, 1 बजकर 54 मिनट 6/11 मिनट पर भी वो 90 अंश का कोण बनाएगी दोस्तों। ये 2 आपके आंसर आए, 2 टाइम आएंगे, ठीक है, आपको ऐसे इसमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ रहा होगा दोस्तों, आप इसकी गोली बना दोगे आप, ठीक है, चलिएगा दोस्तों। अच्छा एक बच्चे की आवाज आई अभी अभी, तुक्का नहीं मार रहा बच्चा मैं, अभी करके दिखा रहा हूँ, हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है, उत्तर की जांच करनी है ना तुम्हें, ये पक्का पता लगाना है कि 90 अंश यार आ गया सच में इस टाइम से, चलो अभी दिखा रहा हूँ चेक करके आपको। तो मैं क्या करूँ, यहीं पर दिखाऊंगा दोस्तों चेक करके, दोस्तों देखिएगा एक वीडियो में आपको आगे भी आगे पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा, ये सूत्र होता है 30H-11/2m, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, यहाँ ध्यान देते रहिए, कितना होगा 30 गुना, इसका पहले वाले का निकाल लो बच्चों, ये मतलब इसका फर्स्ट वाले का, देखते हैं इसके उत्तर की जांच करते हैं क्या हुआ, घंटे कितने आए दोस्तों, 1 बजकर, तो 1 की गुणा -11/2 गुणा m कितना आया दोस्तों, इसमें मिनट कितनी आई थी, 240/11, 240/11, ठीक है दोस्तों, 11 से 11 कट गया दोस्तों, 2 से इसे कटेगा दोस्तों, कितनी बार कटा, 120 दोस्तों, और ये कितना होगा दोस्तों, देखिएगा 30 और -120 दोस्तों, ये नहीं देखना कि इसमें माइनस का है, प्लस का, प्लस माइनस को भूल जाओ, कोई प्लस माइनस नहीं होता, हमारा कितना आया 90 दोस्तों, इसका कितना आया अंतर 90 है, तो दोस्तों जब हमारा 90 आया तो इस मिनट पर पक्की बात है तो 90 अंश का कोण ही बन रहा होगा। सेकंड भी देख लो, अगर आपको किसी प्रकार के कोई दिमाग में खुजली आ रही हो भाई किसी भाई के, देख लीजिए इससे अलग वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिएगा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा दोस्तों, देखिएगा अब दोस्तों आपको इसी प्रकार से बिल्कुल इसी ट्रिक से कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल ऐसी गोली की रफ्तार से आपको 0 डिग्री कोण बनाना सिखाएंगे, देखिएगा अब आप क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों, ठीक है क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों, 4 से 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बताना है, 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री कोण कब कब बनाती है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों इस टाइप का, फिर आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, 0 को 180 का आप ऐसी गोली बना दोगे उसकी, ठीक है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कितना है 5 से 6 बजे के बीच, देखिएगा दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच, इसमें पहले 5 बजा दीजिए दोस्तों, 5 तो दोस्तों बज गए 5, ठीक है अच्छा जी, तो आपको क्या करना है देखिएगा ध्यान से, 90 अंश कौन कब कब बनाएगी दोस्तों, आपको यह बताना है 5 से 6 बजे के बीच में, तो दोस्तों देखिएगा हमें बताया है घंटे वाली सुई खराब हो रही है हमारी यहाँ, ठीक है हमने खराब कर रखी है, फेमिकोल से चिपका रखी है यहाँ से हिलने की नहीं, अब देखिएगा दोस्तों कब बनाएगी, इससे देखिए
30, 30, 60, 30 या 90, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हमारी इसमें लगभग 2 पर आ जाएगी, जब जाकर 90 अंश का कोण बना देगी, ठीक है। अच्छा जी, देखेगा दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों देखिएगा टाइम कितना होगा, 5 बजकर, ठीक है दोस्तों, 5:60/11 से गुणा कर देनी है और सुई कहीं पर आ जाएगी, लगभग 2 पे आ जाएगी हमारे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो देखते रहिएगा, 2 की गुणा करें कितना होगा, 60 × 120/11, तो दोस्तों कितना होगा, इसे क्या कर सकते हैं हम, 11 धाम 110 और 10 120, ठीक है दोस्तों। तो कितना आएगा, 5 सही और 5:10 सही 10/11 मिनट पर वो समकोण बना देगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब देखते रहिएगा दोस्तों, 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब एक और देख लीजिए दूसरा, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड देख लीजिए दोस्तों, कैसे करना है, कितना 5, 5, 10 और 5, 20, 30 और 30, 60, 80, 90, कितना होगा 8, तो कितना होगा दोस्तों, 5:60/11 × 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आ जाएगा, 480/11, इसी तरह हल करके कर लीजिएगा दोस्तों, हो गया ना गोली गिरफ्तार से दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी टॉपिक के इस आधार पर ही, ठीक है, हम आपको अभी सिखाएंगे अच्छी तरीके से 0° का कोण निकालना, ठीक है दोस्तों। चलिएगा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान से। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से बताएंगे आपको, ठीक है। देखिएगा, अब जब समपाती होती है सुई वो बताना है, ठीक है दोस्तों। देख लिए, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ 0° का कोण कब बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक घंटे में आपको बताया, घड़ी की सुइयाँ कौन 0° कोण कितनी बार बनाती है, एक बार, ठीक है। तो 3 से 4 बजे के बीच में निकालनी है हमें, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ टाइम के लिए हमें 3 बजा देते हैं दोस्तों, सुई ऐसी की ऐसी खराब की खराब रखनी है, ठीक है। 3 पर सुई है दोस्तों, यहाँ आपको खराब कर देनी है थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, तो दोस्तों देखिएगा क्या करना है आपको, 3 से 4 बजे के बीच निकालना है, तो ठीक है दोस्तों। देखिएगा ऊपर आएगी इसके दोस्तों, देखिएगा तो सुई कितने पानी जरूरी है, वह 3 पानी होगी, जब इधर जाके 0° कौन होगा, तो कितने पानी जरूरी है वह यहाँ से जाएगी दोस्तों 3 पर। दोस्तों इसमें हमें कोई डिग्री विग्री चेक नहीं करना, कितनी डिग्री चली कितनी नहीं, डायरेक्ट देखनी, बस 3 पानी है तब इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आएगी तो वैसे इससे आगे थोड़ी सी जाके यहाँ से, लेकिन हमने घड़ी की सुई खराब कर रखी इसलिए हमारी 3 पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वो टाइम क्या होगा, 3 बजकर, ठीक है दोस्तों, 60/11 से तो गुणा करना ही है, और गुणा क्या होगा, 3 अंक 35 हो जाएगी, 36 18, तो कितना होगा, 180/11, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा आपको क्या करना है, 11 एकम 11, ठीक है दोस्तों, 11 बजकर 66 16 सही 4/11, तो दोस्तों 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर वो संपाती हो जाएगी सुइया, ठीक है दोस्तों। तो आपका आ गया आंसर, ऐसे ही करना है दोस्तों आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखना है आपको, ध्यान रखना दोस्तों, एक और देख लो दोस्तों, अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो, ठीक है, देखेगा 10 से क्या आपको बताते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, आपको बताते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा संपाती बताते हैं आपको, 9 से 10 ले लिएगा दोस्तों क्वेश्चन, बच्चे ने बताया है 9 से 10 बजे के बीच 0° कौन कब बनाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा तो टाइम क्या होगा, 9 बजकर होगा, सीधी बात है, तो 60/11 गुणा हमारी सुई हो रही है खराब 9 बजे, ठीक है दोस्तों। आपका घूम कर आया तो 9 सुई कहीं पाएगी, 9 पे आ जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। तो 9 की गुणा, ठीक है, 9 6 54 540/11, ठीक है। आपको ऐसे गुणा करके देख लेंगे दोस्तों, 540 क्या करेंगे, कितना का 11 6 44, ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया 10, 0 वहाँ भी उतार ली, 0 इधर भी होगी, 11 9 दोस्तों, 10 उतार ली, कितना हो गया यहाँ पे 11 9 99, ठीक है दोस्तों, ये कितना बचेगा 1, ठीक है। तो 49 सही 1/11 दोस्तों, 9:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होगी, यह संपाती हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, घड़ी और मिनट की सुइयाँ, ठीक है। 9 से 10 बजे के बीच में 9:49 पर, मतलब 49 सही 1/11 मिनट पर ये क्या बनाएगी दोस्तों, 0° का कोण बना देगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा ऐसे ही XSC का दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, XSC का आपको कैसे करना है, इसको भी गोली गिरफ्तार से करेंगे दोस्तों। अच्छा जी, देखते रहिए दोस्तों, करिएगा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही करना है, 180 का भी कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा बस ध्यान देने की बात है, आप इसकी गोली बना दोगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आपको 3 से 4 पे सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा 3 से 4 पर ही, देखिएगा क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है 180 अंश का कोण कैसे बनाएगी, ठीक है दोस्तों, और कब बनाएगी, ठीक है।
अच्छा जी, आपको बताना है टाइम 3 से 4 का ले लो दोस्तों, 3 से 4 का हमने ले लिया। तो देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारी घड़ी है दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों हमने क्या कहा था अभी आपसे, आपको सुई अपनी खराब कर देनी है। कौन सी 3 पर आ रही है, जो भी जिस नंबर से पूछ रहे हैं 3 बजे 4 बजे की, अगर 4 को ध्यान रखना, हमेशा इसका विपरीत अक्षर देखना है इसमें, बस ये काम है आपको, इसका विपरीत अक्षर। ठीक है, जब सुई खराब हो रही तो सीधी बात है, या तो हिली नहीं है तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी हमारे हिसाब से। तो ठीक है, देखिएगा कितने पाएगी, 9 पे, तो 9 6 54, तो 540/11 दोस्तों अभी करके दिखाई थी। ठीक है, देखिएगा कितना होगा, 4 बजकर कितना हो गया, 11 4 44। ठीक है दोस्तों, बच गए कितने दोस्तों, 11 9 99 सही 1/11। ठीक है, 49 सही 1/11, 4 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर क्या करेगी, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगी सुइयां, घड़ी और मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको करके लाने दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन आपको लाना है, देखिएगा नोट करिएगा, आपको आपको लाना है दोस्तों 8 से 9 बजे के बीच, कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। ठीक है, अच्छा आपको लेना है 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक ही, और तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखना और अपनी नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास देखते रहना दोस्तों, और उसमें आपको बड़ा फायदा मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। ठीक है, अपना ध्यान रखना दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो रोज कंटिन्यू देख सको, और दोस्तों धूम मचा दीजिएगा, अपना पूरा पढ़ाई करिएगा ध्यान से, और दोस्तों जिन भाइयों को हमारी वीडियो से पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा हो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, बाय।